Gitanjali Public High School, myself Ramarathor. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you English 1 Chapter 5, The King Who Limped. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे एक राजा, एक नया राजा आता है जो अपने सिर पे एक अजीब सी हैट पहन के आता है और लंगड़ाते हुए चलता है। तो जो उसका मंत्री होता है वो राजा की नकल करने की कोशिश करता है और उसके पास जाके उसकी चापलूसी करता है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, किंग व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। तो जो मंत्री होता है वो लंगड़ाते हुए उसके पास जाता है, तो किंग उससे पूछता है व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ। प्राइम मिनिस्टर, आई हैव क्रैम्प इन माई लेग योर मैजेस्टी। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो मंत्री, वो बोलता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, थोड़ा क्रैम्प हो गया है। द फर्स्ट कोर्टियर फॉलो ऑल्सो। तो जब ये देखता है, एक जो दरबारी होता है जो बैठा हुआ होता है, वो देखता है कि प्राइम मिनिस्टर जो मंत्री है राजा की नकल करता है, तो वो भी उसकी नकल करते हुए लंगड़ाते हुए किंग के पास जाता है। तो किंग पूछता है व्हाट अनादर वन विद क्रैम्प। तो किंग बोलता है अच्छा तुम्हारे पैर में भी मोच आ गई है। फर्स्ट कोर्टियर नो अ स्प्रेन एंकल। तो वो बोलता है नहीं मेरे पैर में मोच नहीं आई है, बस मेरी एड़ियों में थोड़ा दर्द है योर मैजेस्टी। किंग डियर मी हाउ अनफॉर्चुनेट। तो जो किंग है वो बोलता है कितनी अजीब बात है कि एक को क्रैम्प हो गया, दूसरे को स्प्रेन एंकल हो गया है। दिस इज़ द पैलेस इजेंट इट एंड नॉट अ हॉस्पिटल। तो किंग बोलता है ये तो एक राजमहल है, पर मुझे लगता है ये राजमहल नहीं, ये तो एक हॉस्पिटल है। द सेकेंड कोर्टियर फॉलोज बट ही डज नॉट लिप। तो फिर क्या होता है, जो दूसरा दरबारी होता है जो बैठा हुआ होता है वो भी आता है किंग के पास, पर वो किंग की नकल नहीं करता, वो सीधे तरीके से चल के आता है। किंग टू द सेकेंड कोर्टियर एज ही निल। तो जो दूसरा दरबारी वो किंग के पास आता है और घुटनों के बल उसको सलाम करता है। देयर सीम टू बी नथिंग रॉन्ग विथ यू। तो किंग उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो एकदम सही हो। सेकंड कोर्टियर यस योर मैजेस्टी। तो दूसरा दरबारी बोलता है हाँ किंग मैं एकदम सही हूँ और मैं हमेशा ही एकदम हेल्दी रहता हूँ। किंग डियर मी यू सीम टू बी अ यंग मैन विथ अ माइंड ऑफ योर ओन। तो किंग बोलता है तुम एक बहुत ही जवान आदमी हो जिसके पास अपना खुद का दिमाग है। Now pointing to the two neighbors, what would you do with these two quarrelsome people? तो जो किंग है वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का दिमाग है, तो चलो अब मुझे ये बताओ कि ये दो पड़ोसी हैं जिनको मैं पकड़ के लाया हूँ, इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, तो जो मंत्री है वो बोलता है If I may suggest your majesty, तो प्राइम मिनिस्टर मंत्री बोलता है क्या मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ। I shall put them both in prison, मंत्री बोलता है कि मैं इन दोनों को जेल में डाल देता। किंग टू द सेकेंड कोर्टियर what would you do, तो किंग बोलता है जो दूसरा दरबारी आया था उससे पूछता है तुम बताओ तुम क्या करोगे। सेकेंड कोर्टियर I would listen to that they have to say, तो दूसरा दरबारी बोलता है कि मैं पहले इन दोनों की बात सुनूंगा। किंग अ गुड आइडिया, तो किंग बोलता है हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। कम फॉरवर्ड एंड टेल अस हियर व्हाट यू हैव टू से फॉर योरसेल्फ। तो किंग बोलता है उन दोनों पड़ोसियों को आगे बुलाता है और उनको बोलता है चलो बताइए तुम्हें क्या कहना है। फर्स्ट नेबर, तो जो पहला पड़ोसी है वो बोलता है द डॉग बिलोंग्स टू मी योर मैजेस्टी एंड ही से इट इज़ हिज, pointing his finger at the other man. तो पहला पड़ोसी बोलता है कि ये जो डॉग है वो मेरा है, पर ये दूसरा पड़ोसी है वो बता रहा है कि ये डॉग उसका है। सेकेंड नेबर ही lies your majesty, the dog is mine. It was given to me by my brother last August. तो दूसरा पड़ोसी बोलता है नहीं महाराज ये झूठ बोल रहा है, ये जो डॉग है वो मेरा है, इसे मेरे भाई ने मुझे लास्ट अगस्त यानी अगस्त के महीने में मुझे दिया था। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। किंग वेल वन ऑफ यू मस्ट बी लाइन। तो किंग जब दोनों की बात सुनता है और फिर बोलता है चलो ये तो पक्का है कि तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। हु इज इट, अब वो झूठ कौन बोल रहा है ये पता चल लगाना है। इज देयर एनीवन हियर हु कैन टेल व्हाट इज टू बी डन नाउ। फिर जो किंग है वो जितने भी दरबारी बैठे हैं उनसे पूछता है क्या आप लोग में से कोई बता सकता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट कोर्टियर जो पहला दरबारी होता है जो उसकी किंग की नकल करता है वो बोलता है व्हाई नॉट डिवाइड द डॉग इन टू एंड गिव देम हाफ इट। तो पहला दरबारी बोलता है क्यों ना इस डॉग के हम दो टुकड़े कर दें और दोनों को एक एक दे दें।
cooking. A splendid idea. तो किंग बोलता हाँ ये तो बहुत अच्छा तरीका है. Do you man agree to that? तो जो किंग है वो दोनों पड़ोसी से पूछता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो. फर्स्ट नेबर इफ योर मैजेस्टी थिंक्स फिट. तो जो पहला पड़ोसी पूछता है जैसे महाराज आपकी इच्छा. सेकंड नेबर नो आई डू नॉट एग्री टू डैट. पर जो दूसरा पड़ोसी होता है वो बोलता है नहीं महाराज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा. लेट हिम कीप द डॉग. ये डॉग है ये आप इस पहले पड़ोसी को दे दीजिए. योर मैजेस्टी इट इज़ अ गुड लिटिल डॉग. क्योंकि ये जो है डॉग ये बहुत ही प्यारा डॉग है. आई कैन नॉट बियर टू सी इट हार्म. और मैं इस कुत्ते को डॉग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. लेट हिम हैव द डॉग. आप ये डॉग इस पहले पड़ोसी को दे दीजिए. कम से कम ये डॉग जिंदा तो रहेगा. किंग हम इट सीम क्वाइट क्लियर हु इज द ओनर. तो किंग बोलता है अब मुझे पता चल गया कि इस डॉग का असली ओनर असली मालिक कौन है. फर्स्ट नेबर आई एम योर मैजेस्टी. तो पहला पड़ोसी बोलता है महाराज आपको पता चल गया कि मैं ही इस डॉग का मालिक हूँ. मे आई हैव माई डॉग एंड गो होम नाउ. तो क्या मैं अपने डॉग को ले सकता हूँ और घर वापस जा सकता हूँ. किंग टू सोल्जर टेक हिम ऑफ टू प्रिजन. तो जो किंग है वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इस पड़ोसी को इस पहले पड़ोसी को ले जाके जेल में डाल दो. फर्स्ट नेबर बट वाई योर मैजेस्टी. तो जो पहला नेबर है वो बोलता है पर क्यों मैं तो इस डॉग का मालिक हूँ. किंग सीवियरली किंग बी स्टिल. किंग बोलता है शांत रहो चुप रहो. यू विल गो टू द प्रिजन फॉर टू रीजन. तुम जेल में जाओगे क्योंकि तुमने दो गलतियाँ की हैं. फर्स्ट यू आर फाइटिंग इन द स्ट्रीट. सबसे पहले कि तुम जो है वो हमारे किंगडम में लड़ाई कर रहे थे. एंड सेकेंड यू ट्राई टू स्टिल दिस डॉग विच डज नॉट बिलोंग टू यू. और दूसरी तुमने इस डॉग को चुराने की कोशिश की. अवे विथ हिम. फिर वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से ले जाओ. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. द सोल्जर्स लेड हिम ऑफ. जो सैनिक थे वो उस पहले पड़ोसी को ले जाते हैं. किंग दिस अदर मैन इज द राइटफुल ओनर ऑफ द डॉग. फिर वो सबको बोलता है कि ये जो दूसरा पड़ोसी है वो इस डॉग का असली मालिक है. ही इज फॉन्ड ऑफ हिज डॉग एंड कुड नॉट बेयर टू सी इट हार्म. ये अपने डॉग से बहुत प्यार करता है इसलिए उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता. टेक योर डॉग होम नाउ. और फिर वो दूसरे पड़ोसी को बोलता है कि तुम अपने डॉग को लेके जा सकते हो. सेकंड नेबर थैंक यू योर मैजेस्टी. तो जो दूसरा पड़ोसी होता है वो किंग को थैंक यू बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है. द किंग राइजेस टेक ऑफ हिज हैट एंड पुट इज ऑन द थ्रोन देन वॉक क्वाइट नेचुरली अप टू द प्राइम मिनिस्टर. तो फिर जो किंग है वो अपने सिंहासन से खड़ा होता है अपनी हैट निकालता है और उसको उस अपने थ्रोन पे रखता है और सीधे तरीके से यानि बिना लंगड़ाए वो मंत्री के पास जाता है. किंग हैव यू स्टिल गॉट क्रैम्प. और फिर वो मंत्री के पास जाके वो पूछता है कि अभी भी तुम्हारे पैर में मोच है. प्राइम मिनिस्टर नो नो योर मैजेस्टी. फिर जो प्राइम मिनिस्टर वो बोलता है नहीं नहीं मेरा पैर एकदम ठीक हो गया है. द पेन इज गोइंग ऑफ यानि मेरा जो दर्द है वो जा रहा है धीरे धीरे. किंग आ सो द पेन इज गोइंग ऑफ. तो किंग बोलता है अच्छा अब आपका दर्द जा रहा है. रबिश यू लेम बिकॉज आई लेम. तो जो किंग है वो उस मंत्री को बोलता है रबिश बिल्कुल बकवास. तुमने लंगड़ाए तुम लंगड़ाए क्योंकि मैं लंगड़ा रहा था. यू ऑल ट्राई टू फ्लटर मी यानि तुम सब लोगों ने मेरी नकल करने की कोशिश की. बाय इमिटिंग ऑल द फुलिश थिंग्स आई डिड यानि तुम सब मुझे मेरी नकल कर रहे थे और मेरी सब चापलूसी कर रहे थे. आई पुट ऑन द लिम्प एंड वोर अ रिडिकुलस हैट टू फाइंड आउट इफ देयर वर एनी ऑनेस्ट पीपल इन दिस कोर्ट. मैंने ये बकवास सी हैट पहनी और ये लंगड़ाने का पूरा जो नाटक किया वो इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि मेरे किंग में मेरे किंगडम में इस राज्य में कोई एक ईमानदार आदमी है या नहीं है. I have found one. और मुझे वो ईमानदार honest आदमी मिल गया है. First courtier, I am honored your majesty. तो जो पहला दरबारी होता है जो लंगड़ा के किंग के पास आता है वो बोलता है महाराज आपने मुझे चुना है. I am honored यानि अब मैं आपको बहुत थैंक यू करता हूँ. किंग ओ आई डिडंट मीन यू. तो किंग बोलता है मेरा मतलब तुमसे नहीं था.
फिर वो अपना इशारा दूसरे दरबारी की तरफ करता है, यू आर ऑनेस्ट, और वो दूसरे दरबारी जिसने बिल्कुल भी नकल नहीं की थी, जो एकदम सीधे तरीके से किंग के पास गया था, उसको बोलता है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, यू कैन बिकम माई प्राइम मिनिस्टर, और आज से तुम मेरे नए मंत्री हो। तो ये लेसन फिनिश हो गया है। इस लेसन से, इस ड्रामा से आपको क्या समझ में आया कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और किसी की चापलूसी भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना खुद का दिमाग यूज़ करना चाहिए और हमेशा वही बोलना चाहिए जो सही है और जो सच है। थैंक यू स्टूडेंट्स।